हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। यदि आप बिहार बीपीएससी टीआरई और बिहार सक्षमता एग्जाम्स देते हैं या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो आप ये जरूर जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चनों को लगभग आपको प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सन 1857 की क्रांति से लेकर के हम कुल मिलाकर 1947 भारत की आज़ादी तक के महत्वपूर्ण जो जीके है, जिसको बार बार एग्जाम्स में रिपीट किए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम रखने की कोशिश करेंगे। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और वो ये है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई। 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आप सबसे पहले यह जानने की कोशिश कीजिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, इसको पहले इंडियन जो राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं बल्कि राष्ट्रीय संघ के रूप में इसको जानी जाती है। तो सबसे पहले ऑप्शन से आपके सामने कि महात्मा गांधी, क्या इनके पहल पर जो है किया गया था स्थापना, AO ह्यूम के द्वारा स्थापित किया गया, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो एक एक जो कंटेंट है उन सभी पर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी कौन है, हमारे राष्ट्रपिता के रूप में माने जाते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। लेकिन अगर कांग्रेस से संबंधित बात हम जानने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी किस प्रकार से कांग्रेस से कनेक्ट थे, तो महात्मा गांधी जो है एकमात्र बार जो है बेलगांव अधिवेशन जो 1924 ईस्वी में हुआ था, जो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था, याद रखेंगे कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ये बहुत बाद में आए हुए हैं। अब रही बात गोपाल कृष्ण गोखले, इनको क्या जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के कौन है, राजनीतिक गुरु हैं। बाल गंगाधर तिलक जो हैं, या बाल गंगाधर तिलक स्वराज हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के रहूंगा, और मराठा और केसरी जैसे जो पत्र है उसको स्थापित करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। कुल मिलाकर के सोचें तो देखने में ये प्रतीत होता है कि इस पहले प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा AO ह्यूम। याद रखेंगे AO ह्यूम, 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई, AO ह्यूम आप इसको जानने की कोशिश कीजिएगा। इन्होंने लॉर्ड डफरिन, जो कि उस समय कांग्रेस का जब स्थापना हो रहा था उसने कुछ व्यवधान पहुंचाने की कोशिश किया, तो ये वही व्यक्ति है जो इन्होंने उनको बताया था कि कांग्रेस की स्थापना को आप रोकेंगे तो बिल्कुल आप ही इस घटना में और आप ही इससे घाटा में जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके पास कंप्लीट हो चुका है और दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्लियर हो गया है। आइए बढ़ते चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होती है 28 दिसंबर को होता है, ठीक है, और ये कहां हुआ था, तो 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ था। लखनऊ गलत है क्योंकि लखनऊ समझौता हुआ था जिसको हम और आप जानते हैं 1916 ईस्वी में, वहीं पर लखनऊ अधिवेशन से ही राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी को चंपारण आने की न्योता दिया था। यहाँ तक जहाँ तक बात करेंगे सूरत वाली जो बात की जाए, सूरत से संबंधित ये आंकड़े नहीं, सूरत को हम लोग कांग्रेस का प्रथम विभाजन के नाम से जानते हैं। वहीं पर दिल्ली से संबंधित कुछ बातें हैं, दिल्ली से संबंधित इस कंटेंट में जुड़ा हुआ कुछ ज़्यादा मुद्दा नहीं है। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। इस प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास क्लियर हो जाता है। बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। यह तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों हम इसके बारे में बताना चाहेंगे कि जैसे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी जानते हैं कि इस समय कांग्रेस का क्या हुआ था, गठन हुआ था,
ठीक है। उस समय पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नरौजी को दिया जाने वाला था, लेकिन दादा भाई नरौजी जो हैं वे बीमार पड़ गए थे, उनको कुछ बीमारी हो गई थी या कुछ समस्या था, हेल्थ से संबंधित उनको समस्या थी, इसलिए उनको नहीं बनाया गया। फिर दूसरी बात यह है कि ये प्रथम अधिवेशन जो है वह जो स्थापना होने वाली थी या प्रथम अधिवेशन जो होने वाला था वह होने वाला था आपका पुणे में, लेकिन प्लेग फैल जाने की वजह से उसको स्थानांतरित कर दिया गया कहाँ पर, मुंबई में। तो इस तरीके से 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है कांग्रेस का क्या होता है, गठन यानी कि स्थापना होता है, और स्थापना के बाद उसकी अध्यक्षता जो होती है दादा भाई नरौजी नहीं करते, हाँ दादा भाई नरौजी जो है दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ये बात याद रखिएगा। दादा भाई नरौजी दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो मुंबई में तेजपाल संस्कृत कॉलेज कोई था उसी में उनको इसका स्थापना हुआ, 72 सदस्य उसमें भाग लिए थे, इतना जरूर याद रखिएगा। अब रही बात कि इसका कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो बोमेश चंद्र बनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप भी इस आंसर को जानते थे तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं जानते तो आपके लिए एक बेहतर आंकड़ा हो जाएगा। अब तक तीन क्वेश्चनों को हम लोग देखे हैं, आइए बढ़ते चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है। आप बहुत ही बेहतर क्वेश्चन से गुजर रहे हैं, यहां पर प्रश्न आपके सामने है कितने नंबर, चौथे नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो है वो कहता है कि क्या आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक नहीं। ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने मराठा और केसरी पत्र स्थापित किया, लेकिन ये एक दूसरे जो जिनसे एनी बेसेंट भी शामिल हुई थी और उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक भी, और इनका संबंध जो है महाराष्ट्र की तरफ से, और महाराष्ट्र में जो एक बात किया जाए गणपति जो त्यौहार होती है इसको शुरू करने का श्रेय उनको जाता है। जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी उस दिन महात्मा गांधी ने एक बात कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट या मेरा सबसे जो सबसे करीबी था उसको मैंने अपने जीवन से खो दिया, ये महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा था। राजा राम मोहन राय ये मुझे लगता है कि आर्य समाज के संस्थापक नहीं है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, ये आर्य समाज के संस्थापक राजा राम मोहन नहीं राय है, ये है ब्रह्म समाज के, ब्रह्म समाज। और राजा राम मोहन राय के बदौलत ही भारत से आप सभी जानते हैं सती प्रथा को अंत किया गया था। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा के अंत किसके प्रयासों से खत्म हुआ था, राजा राम मोहन राय का। और यदि आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने किन से संपर्क साध करके या किन की सहायता से भारत से जो है सती प्रथा का अंत कराया था, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल का क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी विवेकानंद यहाँ से नहीं है, स्वामी विवेकानंद नहीं है, लेकिन हाँ जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनके द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आर्य समाज के संस्थापक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, और इन्हीं के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक पुस्तक लिखा गया था, याद रखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश का जो लेखक कौन है, यही है स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो है वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है। आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो दयानंद सरस्वती हैं उनका जन्म किस प्रदेश में हुआ था, अगर जानते हैं तो जरूर बताइएगा। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ फटाफट, 150 क्वेश्चन हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जी जान लगा देंगे आपके लिए, आप सिर्फ बने रहिए हमारे साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा अभी तुरंत बताया ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी ये दूसरे चीज़ों से संबंधित है, पुनः सार्वजनिक सभा जो है ये महात्मा गांधी और ये जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनसे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में जो है
पारित किया गया था। आपको मैं बता दूं कि ये लॉर्ड क्लाइव जो हैं ये भारत के बंगाल के प्रथम जो है गवर्नर के रूप में जाने जाएंगे। लॉर्ड वेलने का दूसरे से संबंध है, लॉर्ड कर्जन, मुझे लगता है कि लॉर्ड कर्जन भी दूसरे चीज़ों से संबंधित हैं। लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित हुआ? लॉर्ड लिटन इसका सही आंसर हो जाएगा, छठे का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते चलते हैं और ये रहेगा आठवां नंबर प्रश्न, यंग इंडिया के लेखक कौन है? याद रखिएगा, यंग इंडिया के लेखक कौन है, एक कन्फ्यूजनल क्वेश्चन है। देखिए यंग इंडिया के लेखक अगर आप जब देखे होंगे तो ये प्रश्न ऐसा लग रहा है कि नहीं ये गलत है, क्योंकि आपको ऑप्शन में कहीं महात्मा गांधी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए यंग इंडिया पत्रिका के लेखक जो हैं वो कौन है? महात्मा गांधी। लेकिन यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, यंग इंडिया के लेखक हैं कौन? लाला लाजपत राय। लेकिन यंग इंडिया पत्रिका के जो संपादक हैं या फिर उसको जिन्होंने लाया उनका नाम महात्मा गांधी था, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, नौवां नंबर क्वेश्चन, एल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? एल्बर्ट बिल जो है या विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौवे नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा कि एल्बर्ट विधेयक जो है वह लॉर्ड रिपन के समय इसको पेश किया गया था। नौवा नंबर क्वेश्चन है, एल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? यह दसवें का सही आंसर, अगर आप भी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है कि आजाद हिंद फौज का गठन जो है वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? याद रखेंगे, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यह बीपीएससी के द्वारा कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पूछा भी गया था टीआरई में, याद रखेंगे। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? प्रश्न आपके सामने है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? जिस प्रश्न में भी कंटेंट देने की जरूरत पड़ेगी उसी में हम कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, वरना हम सीधे साधे आपको क्वेश्चंस पर फोकस कराने की कोशिश करेंगे। तो भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है, यदि आप जानते हैं तो फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। और मेरे अनुसार कि भारत सेवक समाज के जो संस्थापक है गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, और सिर्फ महात्मा गांधी के ही राजनीतिक गुरु नहीं बल्कि कायदे आजम जिसको महात्मा गांधी ने कहा था मोहम्मद अली जीना को, मोहम्मद अली जीना का भी जो गुरु है वो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो उन्होंने भारत सेवा सेवक समाज की स्थापना किया था। आगे बढ़ते चलते हैं, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का क्या कारण था? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या था? 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, उदारवादी लोग जिसको हम नरम दल का नेता कहते हैं, वे हमेशा यही सोचते थे कि अंग्रेजों के सामने बिल्कुल झुक करके रहना, उससे मिल करके रहना, और अपने ही देश में क्या हो रहा है वो हमारे ऊपर शासन करें और हम उनका सहयोग करें, क्योंकि वो अपने आप को ये सोचते थे कि वो हमसे ज़्यादा योग्य हैं, शिक्षित हैं। इसलिए उदारवादियों की ये नीति कहीं ना कहीं जो उग्रवादी प्रकार के लोग थे जिसको गरम दल के नेता कहते हैं, इनको पसंद नहीं थी। तो पहला, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के कारण पहला नंबर तो ये बिल्कुल सही लगता है। धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण, बिल्कुल सही है। जब देखा गया कि हमारे ही भारत में रह करके वे जो अंग्रेज हैं वो कई प्रकार से धर्मों को भी अब इधर उधर उथल पुथल करने की कोशिश करने लगे, इसी का तो परिणाम था 1857 की क्रांति, जब सिपाही विद्रोह हुआ जिसको 1857 की क्रांति या फिर हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के नाम से जानते हैं। धार्मिक ही तो विवाद था उसमें कि कारतूस को किस किस तरीके से चर्बी मिला करके सैनिकों को दिया जाने लगा। तो धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, सांस्कृतिक रूप से और धर्म के लोग जो थे वे बिल्कुल इस चीज़ों में अब हिस्सा लेने लगे थे, जिसका वजह था भारत में उग्र राष्ट्रीयता का उदय। उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। उपनिवेश जितने भी थे अंग्रेजों के, उसमें जो है भारतीय लोग जो जाते थे, या मूल रूप से भारत ही नहीं कई ऐसे देश थे, भारत उसमें एक प्रमुख देश रहता है,
गोरे लोग यानी कि जिनको हम और आप अंग्रेज जानते हैं, वे कभी भी हम भारतीयों को या कुछ ऐसे देश के जो उपनिवेश थे उनको कभी भी वैल्यू नहीं दिया करते थे। ट्रेनों से भी इनको उतार दिया जाता था, साथ में पगड़ी इनको नहीं पहनने दिया जाता था। महात्मा गांधी के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार अंग्रेजों ने किया था। तो ये सभी कारण आकर के आते हैं भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण। इससे लगता है कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? आप जानते हैं कि अंतिम हथकंडा और एक सटीक हथकंडा जो है अंग्रेजों ने अपनाया था, और वो ये था कि जब देखे कि हिंदू और मुस्लिम जो भारत के हैं वे दोनों एक साथ आ जा रहे हैं, ठीक है, और एक साथ आकर के और बिल्कुल जो है वो अंग्रेजों को उनके कार्यों को करने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो उस कंडीशंस में अंग्रेजों ने एक चाल चली, जो हिंदू बहुल क्षेत्र था उसको उन्होंने पश्चिम बंगाल बना दिया, और जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था उसको उन्होंने क्या बना, पूर्वी बंगाल बना दिया। और ये चाहा कि दोनों को दो जगह रख करके और हम इसमें क्या कर रहे हैं, राजनीतिक फ़ायदे उठाएँ और हमारे अपने देश को जो है फ़ायदे पहुँचाएँ। इससे लोग नाराज तो थे 1905 में, इसलिए बंगाल विभाजन को, जो बंगाल विभाजन जिसको बोलते हैं, इसका विरोध भी किया गया। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि यही जो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ, वह कौन सा गवर्नर था जो जिसके काल में ये हुआ था? आपने आंसर कर लिया होगा, सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बहिष्कार करना, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी उनके साधन थे। तो मुझे लगता है कि आसानी पूर्वक इसका आंसर आप लोग कर लिए होंगे, क्योंकि उस उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था, बहिष्कार। वो हर बार कुछ करते नहीं थे ज़्यादा, लेकिन सिर्फ बहिष्कार कर दीजिए, यानी कि विदेशी कपड़ों को, अंग्रेजों की बनाए हुए कपड़ों को, सामानों का सिर्फ बहिष्कार कीजिए, ठीक है, फिर कुछ दिन के बाद मामले ये शांत हो जाते थे। स्वदेशी मतलब उनको बहिष्कार कीजिए, अपना अपनाइए। फिर उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा, और ये बार बार कहा जाता था कि राष्ट्रीय लेवल की अपनी शिक्षा होनी चाहिए, अपनी शिक्षा होनी चाहिए, अंग्रेजी में भी शिक्षा होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को वो अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो सभी के सभी आंसर एक बार फिर से इसका सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? लगता है कि ये प्रश्न आप लोगों को पहली बार मिल रहा होगा, मे बी पॉसिबल बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हमारी वीडियो को देख रहे होंगे जिनको पहली बार नहीं, कई बार मिले होंगे। कुछ कैंडिडेट्स के लिए ये पहला बार क्वेश्चन हो सकता है। तो प्रश्न है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो 16वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज का स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो में उपस्थित है। तो आपने आंसर कर लिया होगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मम जन्मसिद्ध अधिकारम अस्ति, ऐसा इसको जब मैं पढ़ता था उस समय ये संस्कृत में ये वर्ड्स मैंने पढ़ा था। सही है या गलत आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। क्या जबरदस्त लाइन है, ये उस योद्धा की लाइन है जिसे हम और आप पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपका आ जाता है कि पंजाब केसरी के नाम से किसको जानते हैं? तो लाला लाजपत राय का ये सेंटेंस है, इनको जो है पंजाब केसरी के नाम से हम सभी जानते हैं, ठीक है। और बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं, ठीक है। और भी कुछ बातें होंगी धीरे धीरे करके। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, यह कथन लाला लाजपत राय के द्वारा कही गई है। अमेरिका में गद्दर पार्टी, देख रहे हैं, तो एक क्वेश्चन पूछ दिया था बीपीएससी में कि गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, टीआरई में नहीं, बीपीएससी का वो एग्जाम्स जिसमें लोग वीडियो वगैरह इत्यादि जो सिविल सर्विस में जाते हैं उसमें ये क्वेश्चन प्री में देखने के लिए मिला था। तो प्रश्न है कि अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर है 19 का ऑप्शन नंबर आपके पास ए, यानी कि लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना किया गया था। तो दो क्वेश्चन
जाता है कि गदर पार्टी कौन स्थापित किया, लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी कहाँ स्थापित किया, अमेरिका में। 19 का सही आंसर यही हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? देखिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन सभी लोग जानते हैं कि 1907 में हुआ था, लेकिन अगर आप में से कोई जानता है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 वाली बातें, उसमें पूछ देगा कि बताइए उसमें अध्यक्षता किसने किया था, फिर बताइए किनको जो है अध्यक्ष बनाने की बात कही गई थी, ये सारे चीज़ें आती है। ठीक है, तो बात कही गई थी बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि उनको उनके सपोर्ट में भारी संख्या में लोग रहते थे, उनको पसंद करने वाले पूरे भारत में लोग रहते थे। ठीक है, जब उनकी मृत्यु हुई उस समय ये जो आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन, उसी समय जब मृत्यु हुई तो उसके बाद के समय में ऐसा कहा गया कि उनके मूर्ति स्थापित करने के लिए चंदा इकट्ठा किया गया था, और उस समय गांधी जी बिहार में भी आए हुए थे। आप ये सभी जानते हैं, गांधी जी बिहार में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, अभी तक तो मैंने तीन बार पढ़ा, आप हो सकता है कि तीन से अधिक बार, जैसे कि पाला एक जो था वो चंपारण में, फिर उसके बाद यहाँ पर भूकंप पीड़ितों को देखने के लिए भी आए, और एक बार जो है मुझे जहाँ तक याद आता है कि बाल गंगाधर तिलक के लिए जो स्मारक बनाने वाली थी, मूर्ति स्थापित करने के लिए उनके बाल गंगाधर तिलक कोष में चंदा देने की बात की गई थी। तो कांग्रेस को उदारवादी उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में देखने के लिए मिलता है? 20वें नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर जानते हैं, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने किया था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन है? कौन भुला सकता है इनको? ठीक है, ये वो योद्धा है जिनके बारे में क्या बोला जाए, कभी शहीद आजम भगत सिंह, मुझे नहीं लगता है कि आप इनको कभी भुला पाइएगा, या हमारे दिल से कभी भगत सिंह बिछड़ पाएंगे। भगत सिंह जैसे लोग और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे पृथ्वी पर वाय द वे ही जन्म लेते हैं, कभी इनको दिलों से, ये हमारे अपने रियल हीरो हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको अपना हीरो मानने से बिल्कुल मत हिचकिए। तो आवर रियल हीरो सरदार भगत सिंह, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता में से थे। याद रखिए, उनका मानना था कि ये जो बड़ी सरकार बैठी हुई है इसको सुनाने के लिए बम फेंकना जरूरी है, अतः उन लोगों ने टेबल पर ही बम फेंक दिया था असेंबली के दौरान। इस केस में इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी, अंततः परिणाम भी बुरा हुआ, आप जानते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करना चाहेंगे। आगे क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन के तत्कालीन असफलता का मूल कारण निम्नलिखित में से क्या था? 22वें का सही आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। तो कहता है, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का मुख्य कारण क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव बिल्कुल था, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, हाँ उसके पास नीतियाँ ऐसी थी जो किसी भी क्रांतिकारी संगठन को या किसी भी क्रांतिकारी व्यवस्था को दबाने में सफलता हासिल कर लेता था। उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, जी बिल्कुल, उच्च मध्यम वर्ग कभी भी क्रांतिकारी आंदोलन को सहायता नहीं कर पाया। ये तीनों के तीनों कारण ऐसे हैं जिसके वजह से उपर्युक्त सभी कारण जो होंगे वो क्रांतिकारी आंदोलन की तत्कालीन असफलता का मुख्य कारण बनता हुआ नजर आता है। उम्मीद करते हैं कि ये सभी बिंदु आपको समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब किस अधिवेशन में हो गया था? तो याद रखेंगे, कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में ही नहीं बल्कि कांग्रेस का वो एक स्पेशल अधिवेशन है जिसमें मुस्लिम लीग भी साथ में आ गई थी और कुछ दिन तक साथ में रही, उस तो कही कि हाँ हम कांग्रेस की कुछ बातें मान लेंगे और वो हमारी कुछ बातें मान लें और हम दोनों बिल्कुल एक साथ कार्य करेंगे। तो वो अधिवेशन आप सभी जानते हैं, वो अधिवेशन मुझे लगता है कि 23वें का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए, 1916 में लखनऊ का अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेता दोनों एक साथ आकर के मिल गए। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता कब? तो लखनऊ समझौता का दूसरा नाम कांग्रेस लीग समझौता भी है, तो प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ, तो उसको भी आप जरूर कहिएगा। लखनऊ समझौता, तो आप उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर चुन लिए होंगे, 24 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा।
आगे है भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो देखेंगे भारत में होम रूल जो आंदोलन है वो किसके किसके द्वारा किया गया है, ये अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 25वें का सही आंसर आप देखेंगे। भारत में होम रूल आंदोलन जो है श्रीमती एनी बेसेंट सबसे पहले, उसके बाद लोकमान तिलक द्वारा, ठीक है, बाद में ये दोनों मिलकर के भी काम किए हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जो है भारत में होम रूल आंदोलन के नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों में से हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, रॉलेट एक्ट आप समझते हैं, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास उपस्थित हो चुका है, 26 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 26वें नंबर प्रश्न का जो भी आंसर आप बन सकता है तो बनाइएगा। देखेंगे कहता है रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, कुटीर उद्योग को समाप्त करना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था उसका नियम। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना, बिल्कुल ऐसा भी नहीं था। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती थी। हाँ बिल्कुल, देखेंगे नो अपील नो दलील, सीधा जेल नो बेल, इसका मुख्य रूप से मुझे लगता है कि जहां तक मैंने पढ़ाई किया उसमें ये सेंटेंस मुझे देखने के लिए मिला। तो वही कारण है कि रॉलेट एक्ट का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था, तो इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए हुए किसी व्यक्ति पर बंदी बना सकती थी और उसके ऊपर केस चला सकती थी अदालत में, और वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता था इनके विपक्ष में, ऐसा था। इसको मतलब एक बहुत ही घटिया प्रकार का जो है एक्ट कहा गया था, ठीक है। इसके संबंध में बहुत चर्चाएं भी हुई। आगे हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड का घटना कब हुआ, आसान सा क्वेश्चन है जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी। आपके स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जितने लोग स्टेट के एग्जाम्स हाल फिलहाल में दिए उसमें ये क्वेश्चन था, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी। तो देखिए हंटर कमेटी जो है ना वो 1919 में ही बनी थी, और याद रखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड जो नरसंहार इसको कहेंगे, इसको मतलब जानबूझी हुई एक प्रकार की मतलब व्यवस्था कहेंगे, और इसको जानबूझ करके किया गया, भारतीयों को प्रताड़ित करने वाली यह एक कांड थी। तो यह हंटर कमेटी किसकी घटना की जांच करने के लिए किया गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर में उपस्थित है, पंजाब राज्य में उपस्थित है, 13 अप्रैल 1919 की यह घटना हुई थी जब यह ऐसा कहा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ, आप सभी जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है इसके महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था, और इसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि हम लोग अब अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे, उनके चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, और सहयोगात्मक की जो सहयोगात्मक दृष्टिकोण से उनके साथ काम करने की बात की गई थी, अब वो सहयोगात्मक दृष्टिकोण नहीं बना रहेगा बल्कि हम उनके साथ असहयोग रूप से कार्य करेंगे, ठीक है। इसलिए इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह असहयोग आंदोलन आप सभी जानते हैं कि ये 1922 ईस्वी करीब करीब जा करके ये थम गया जब चौरी चौरा की घटना हुई, जो उत्तर प्रदेश की देवरिया अब गोरखपुर की साइड क्षेत्र है वहाँ पर यह घटना हुई। वहाँ पर लोगों ने मैंने पुलिसकर्मियों को थाने को जला दिया, पुलिसकर्मी भी उसमें कुछ घायल भी हुए, मारे भी गए। तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, सही आंसर है, सही आंसर है कि सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, ये भी सही है, विदेशी माल का बहिष्कार करना, ये भी सही है, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों का उपाधियों का त्याग करना। तो 29 का सही आंसर मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी के सभी आंसर सही हो जाएंगे। आइए बढ़ते चलते हैं, महात्मा गांधी ने किस घटनाओं से खिन होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। महात्मा गांधी वो कौन सी घटना थी जिससे खिन होकर के मतलब गुस्सा होकर के असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया। तो क्योंकि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा में विश्वास किया करते थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि अहिंसा के फैला करके और किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो आज़ादी मांगी जाए, बिल्कुल अहिंसा अहिंसात्मक सत्य और अहिंसा नहीं होनी चाहिए, मतलब सत्य और अहिंसा में विश्वास होनी चाहिए, बल्कि आपको किसी प्रकार के कोई ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे किसी की क्षति हो जाए, और किसी से आज़ादी आप ऐसे ले नहीं सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप आज़ादी ऐसे ले लीजिएगा। परिवार में भी यह नियम लागू होता है कि जैसे कोई बिल्कुल समझदार है तो कुछ उग्र बच्चों का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उग्र बच्चे भी कभी कभी काम करते हैं। देखेंगे सभी हीरोबाज जो लड़के होते हैं टाइम पर वही काम कर जाते हैं, और जितने लोग सटीक बहुत आगे चले जाते हैं वक्त पड़ने पर उनका कुछ नहीं होता। इसलिए
ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी शामिल होता है। महात्मा गांधी ने किस घटनाओं से खीन होकर असहयोग आंदोलन जो है वह बंद कर दिया था? चौरी चौरा का कांड जो हुआ था उसी के वजह से महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न है 31 नंबर, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 31 नंबर क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 31 का आंसर आप लोग फटाफट आंसर कमेंट कर सकते हैं, जानते हैं तो याद रखिएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज दल की स्थापना किए गए थे। आपको पता है ये क्यों स्थापित किया गया था? असहयोग आंदोलन जब बंद किया गया ना गांधी जी के द्वारा, तो याद रखिए ये जो दो नेता हैं, ये जो दो व्यक्ति हैं, देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू नाराज हो गए। ऐसे इनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोग थे जो नाराज हो गए थे। इन लोगों ने नाराजगी के वजह से स्वराज दल की स्थापना कर दिया। तो प्रश्न कहता है कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, यह क्वेश्चन पूछा गया है। स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? स्वराज दल का कार्यक्रम निम्नलिखित में से क्या था? प्रश्न आपके सामने है, स्वराज दल क्या करना चाहती थी? 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, बजट को रद्द करना। स्वराज दल चाहती थी कि बजट बिल्कुल रद्द कर दिया जाए। नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, नौकरशाही बिल्कुल नहीं चलेगा, इसको शक्तिशाली बनाने वाले सभी प्रस्ताव को खारिज किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए इसके लिए। अगला है समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों पर अधिकार, बिल्कुल समस्त प्रभावशाली स्थानों पर या पदों पर भारतीयों का भी अपना अधिकार होना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। उपर्युक्त में से सभी के सभी कार्यक्रम जो है स्वराज दल का कार्यक्रम था, ये सभी चीजें जो है ये करना चाहते थे स्वराज दल, जो कि मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा स्थापित किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? प्रश्न आपके सामने है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। साइमन कमीशन भारत कब आया? ठीक है, काले झंडे दिखाए गए थे साइमन कमीशन को, क्योंकि यह एक ऐसा कमीशन था जिसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। तो आप बताइए, भारत में आप राज कीजिएगा, अंग्रेज हैं आप, भारत में राज कीजिएगा और भारतीयों पर ही जुल्म कीजिएगा और कुछ भी हो उसमें आप जो चाहिएगा वो भारतीयों के साथ कर दीजिएगा, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है हमारे देश के ऊपर। इसलिए साइमन कमीशन जब भारत आया, तो साइमन कमीशन जब भारत आया तो भारत में काले झंडे दिखाकर किसका बहिष्कार भी किया गया। परिणाम ये रहे कि साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगे। तो यही है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। 33 का सही आंसर आपके सामने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है भारत में उपस्थित हुआ था। 33 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं प्यारे शिक्षक बंधु या जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? देख लीजिए, अभी तुरंत बता दिया है, 1, 2, 3, एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। यही तो कारण था उसको गो बैक होने का। 34 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, उपर्युक्त सभी सिफारिशें जो थी उनके द्वारा लाई गई थी। बिल्कुल सही आंसर है कि साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई। तो साइमन कमीशन के द्वारा जो सिफारिशें की गई है वे सभी आप देख रहे हैं उपर्युक्त में से सभी के सभी। द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना जो था उसका मुख्य कारण था, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना करना और संघ शासन की स्थापना, उपर्युक्त सभी के सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप अच्छे से समझ गए। आगे देख लीजिए, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखे योग्य है। याद रखिएगा, यह रिपोर्ट जो है जिसको साइमन कमीशन के संबंध में कहा जा रहा है, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? देख लीजिएगा, यह जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट था ना जो स्थापित किया गया भारत में और भारतीयों पर अधिकार करने की बात की, जो भी नियम रूल बनाए जाएंगे परिषद इत्यादि में, उस पर सब अंग्रेज ही समझदार हैं, वही अपनी समझदारी दिखाएंगे, हम तो कुछ है ही नहीं भारतीय, आप तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी के समान है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह किसके द्वारा दिया गया कथन है आप सभी जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सर शिवा स्वामी, याद रखेंगे सर शिवा स्वामी अय्यर के द्वारा। 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर शिवा स्वामी अय्यर के द्वारा यह कथन कहा गया है। आगे बढ़ते चलते हैं,
ये लीजिए, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया, नेहरू रिपोर्ट में वह कौन सा प्रमुख सुझाव है जो नेहरू रिपोर्ट में दिया गया था। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था, भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए। बहुत ही अच्छा आप देख रहे हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया है, भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, सही है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था किया जाए, ये भी सही है। केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन किया जाए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधान स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था, समझ लीजिए, ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 में था, देख लेंगे किसने किसी सीट में, मैंने देखा था इसको पेपर्स में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न का, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है ये, 38 नंबर देखेंगे। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, और उसी समय ये घोषणा किया गया था कि भारत जो है अपना पूर्ण स्वराज दिवस जो है मनाएगा 26 जनवरी से। इसी की याद में बाद में 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया। तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में ये किया गया था, सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया, जबरदस्त समझ लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया, आप सबसे पहले याद रखिएगा, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए तो उन्होंने एक आश्रम बनाया, वो साबरमती जो है आश्रम के नाम से जाना जाएगा। अंग्रेजों द्वारा यह एक कानून लाया गया था कि भारतीय जो है नमक नहीं बना सकते हैं, ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहाँ से होती है, नमक कानून को तोड़ने से, भंग करने से, ये नियम से। गांधी जी अपने कुछ सदस्यों के साथ यात्रा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और यात्रा के बाद वो पहुंचते हैं और पहुंच करके दांडी में, और वहाँ पर समुद्र की पानी से नमक जो है बना करके अंग्रेजों के इस कानून को तोड़कर उसको चैलेंज करते हैं कि हमारे पास वो शक्ति है कि तुम्हारे बनाए हुए नियमों को और कानूनों को हम तोड़ते हैं, ठीक है। इसको हम लोग दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। तो कब किया गया, ये प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, सही है, सर हो जाएगा। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय विनय के साथ हम आपसे यह आग्रह करते हैं, ये आंदोलन करते हैं या ये मांग करते हैं, इस प्रकार की जो आंदोलन होगी इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न आपके सामने देख लीजिएगा, गांधी जी द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसके लिए कार्यक्रम क्या निर्धारित किया था उन्होंने, गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, सही बात है, बहनों को शराब अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, गांधी जी ने कहा था सभी बहनें शराब अफीम विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दो, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, यानी हिंदुओं को छुआछूत जो है उससे थोड़ा सा दूरी बनाना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए, ऐसा गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत कार्यक्रम था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एक बार फिर से आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बढ़ते चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था, आप समझते हैं कि तीन गोलमेज सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1930, 1931, 1932, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो अत्यंत पिछड़ी जाती है भारत की तरफ से उनके लिए उन्होंने अपना नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी को बुलाया गया लेकिन महात्मा गांधी मात्र जो है दूसरे जो है वो लंदन में गोलमेज सम्मेलन में दूसरे में वो 1931 में, ठीक है, उन्होंने भाग लिया था लेकिन वो खाली हाथ में लौट आए थे, वो असंतुष्ट हो गए, ठीक है, जो समझौता के लिए उनको बुलाया गया था वो उतने संतुष्ट हुए नहीं इसलिए ये वापस चले आए। तो लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था, उम्मीद करते हैं कि 1930 वाला आप जो है आंसर क्लिक कर दिए होंगे, अब इसमें कोई ज़्यादा देरी लगा नहीं होगा, 12 नवंबर 1930, ठीक है,
आपके पास ये हो जाएगा प्रथम, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा हो जाती है। ठीक है, डेट देख लेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ठीक है, गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, क्योंकि सभी ने अवज्ञा आंदोलन इतना प्रभावशाली था महात्मा गांधी का कि उससे अब अंग्रेज जो थे खफा हो गए थे, इसलिए इरविन जो है उसने गांधी जी को मतलब समझौते के लिए आग्रह करना शुरू कर दिया। तो इन दोनों के बीच में अंततः एक समझौता हुआ, जिस समझौता को उन दोनों के नामों को जोड़ करके गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता आखिर हुआ कब? तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, इसे हम और आप गांधी इरविन समझौता कहते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाते समय हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो जाए, तो इसके लिए हम से क्षमा चाहेंगे, और कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज क्षमा जरूर कर दीजिएगा। 42 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। 43वां नंबर क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? अब मुझे नहीं लगता है कि इसको आप जो है गलत कर पाएंगे, महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 आगे है, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत ही आघात पहुंचा? 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करने से गांधी जो है देख लेंगे मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा। मैकडोनाल्ड अवार्ड जो था, यह जो गांधी जी को आघात पहुंचाया, और वो नियम दिए था कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था उसने कर दिया था। गांधी जी इससे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस किए और अपने आप में सोचे कि हमारे समाज को इसने बांटने का काम कर दिया। आगे बढ़ते चलते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? देख लीजिए कहीं 1932 है, उम्मीद करते हैं कि 1932 वाला आंकड़ा बिल्कुल सही चला जाएगा। 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये सभी गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। गोलमेज सम्मेलन इसका नाम क्यों पड़ता था आपको पता है? यह टॉकिंग जो होती थी, गोल प्रकार की एक मेज होती थी, और विभिन्न देशों से जिस पर उपनिवेश था अंग्रेजों का, तो उसके मुख्य प्रतिनिधि और ये सब बैठ करके सम्मेलन किया करते थे। वहाँ पर उसकी क्या डिमांड है, क्यों आप खफा हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता था। उसको आने वाले प्रतिनिधियों के लिए संतुष्टि प्रदान किए थे, कुछ संतुष्ट होकर चले जाते थे, कुछ संतुष्ट होकर के नहीं जाते थे। इस सम्मेलन को गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो देख लीजिएगा, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग ने जो है वो बार बार हमेशा 1940 में उसने कहा कि मुझे मतलब पाकिस्तान दे दीजिए। रहमत चौधरी, आप समझते हैं, रहमत चौधरी ने इसका मांग किया था। और दूसरी बिंदु, आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान से वर्ड्स जो है वो मोहम्मद इकबाल साहब के द्वारा दिया गया था। और उसके बाद है कि लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो लीग द्वारा अपने आप को मुक्त घोषित कर दिया है कि मतलब मैं अब कांग्रेस से और भारत से आज़ाद हूँ, यानी मुक्त हूँ, अब मैं अपने आप को मुक्त समझता हूँ और मैं मुक्ति दिवस मना रहा हूँ। तो आपसे पूछना है कि लीग द्वारा मुक्ति दिवस बनाया कब गया? 46 का ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस जो है बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव को मुख्य बात क्या थी? अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी? 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? तो इसके बारे में समझते हैं। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक उपस्वराज की स्थापना करना। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? तो ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना कर देना। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना, यह भी सही है। ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी, यह भी सही है। उपर्युक्त सभी के सभी बातें, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? क्रिप्स को भारत में भेजने के मुख्य उत्तरदायी कारण क्या था? ये प्रश्न आपके सामने है और बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें दम है भाई, इसको ध्यान से देखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रिप्स को भारत में भेजने के उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, बिल्कुल सही है। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, बिल्कुल सही है। युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट की वजह से क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण समझा गया। 48 का ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव
कब पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया एक सबसे सफल आंदोलन और सबसे अंतिम आंदोलन मुझे लगता है कि इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इन्होंने प्रसारित किया था, तो ये 1942 में हुआ था, लेकिन दो दो ऑप्शंस में 1942 दिखाई दे रहा है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो 49वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण निम्नलिखित में से क्या था, क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, याद रखेंगे आप, देखते चलिए यहां से। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण बना रहा, वर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार करना, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। तो भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य कारणों में से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये उपर्युक्त सभी के सभी आंसर सही है। तो अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चंस देख चुके हैं और आगे बढ़ेंगे अब इसके ठीक बाद।